appearances are deceptive. Don't take him lightly. He still shoots and he regularly goes overseas for shooting. इनको शायद इंडिया में टारगेट मिलते नहीं इसलिए बाहर जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? Thank you very much for being here. क्या लो क्या प्लीज? क्या देखिए? Thank you. वो कहते हैं दैट कुंडे स्टार्ट ड्रेपिंग साड़ीज पर्टिकुलरली। So welcome ma'am. She is a local girl. She has studied from Jai Hind College and she is a psychologist. She has studied psychology. I would request Deepa ji to please present her with the podium. Thank you. Our next is the music which Umesh Mishra ji ne diya hua hai. Deepa ji ne gaya hai aur iski bahut acha video production filmankan kiya hai mere dost Prabhakar Shukla ji ne. He is the one who has done the excellent video production. Acting kiya hai Deepika ne, Deepika and Suhas. These are two young lovely couple who have really worked very. This song is produced by Purple Music India. Every successful man has a woman behind him. Rajesh Srivastav, my friend, has Deepa ji Music India. This song is, I think it's a privilege that it is being marketed, publicized on the platform of Red Ribbon. Red Ribbon is the media partner for this song and they are the ones. Rakhi is there from Red Ribbon. A small intro to line about Deepa ji. She belongs to Lucknow. इन्होंने अपना initial गाना लखनऊ में सीखा विनोद चटर्जी साहब के अंदर. उसके बाद ये सीखते नहीं, रजत जी एयरफोर्स में थे तो जहाँ जहाँ ये गए वहाँ वहाँ जाती रहीं, पूरे हिंदुस्तान भर में घूमते रहे, वहाँ वहाँ ये अपनी आवाज. बिफोर वी डू दी फॉर्मल फॉर्मेलिटी ऑफ रिलीजिंग इट, अच्छा लोग ये कह रही मुझे अपने बारे में बता दूं, तो पहली बात तो यह है कि मैं आप सबका पार्टनर हूँ. 33% आप लोग जो देते हो वो मेरे पास आता है क्योंकि मैं 33% का पार्टनर हूँ. और जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस बारूद से वो बने उसे अमिताभ कहते हैं. मेरा नाम अमिताभ शुक्ला है, मैं इनकम टैक्स में छोटा सा अधिकारी हूँ, प्रिंसिपल कमिश्नर हूँ मुंबई. Video is unwell, so नहीं आ पाए हैं, उनको भी मैं मिस कर.
कर रही हूँ, सुहास, दीपिका और प्रभाकर, इनके वीडियो को कई टाइम से मेरे वीडियोस कर रहे हैं, उनका भी दिल से शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया आने का और अपना समय देने का। और मेरे जो दोस्त हैं, बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने आज स्वीकार किया कि वो यहाँ पर आकर मेरे लिए उन्होंने बगैर पेमेंट इसलिए करवाया क्योंकि वो सबसे इनकम टैक्स लेते हैं, तो हम तो कुछ नहीं देंगे। तो थैंक यू और The actress and the actor have come together, and a sense of the Indian woman when she says, "I don't need makeup; my husband is enough for me." Oh. I think that's tradition in my hairstyle when I see this. हमें बीना जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, जो आज का समय है ऐसा नहीं है, साड़ी तो हमारी काफी पुरानी ऐसी ड्रेस है कि इंडिया और साड़ी कनेक्ट होते हैं, बट बीना जी ने जो साड़ीज हैं उनको नया स्टाइल दिया है काफ़ी तरीक़ों से। अगर आप उनको देखेंगे फेसबुक पे आप देख सकते हैं, आज भी उनकी साड़ी डिफरेंट है और काफ़ी तरीक़ों से वो बताती हैं कई चीज़ें। आप जब उनसे जुड़ेंगे फेसबुक में तो आप जानेंगे और वो अपने बारे में कुछ बताना चाहें, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी शी कैन से। I'm actually an image manager. I do a lot of events for sari draping, and I do travel all over the country for any of these type of events. Could be a makeup, could be ramp walk, sari draping. So if any of you all, I don't see many ladies here, but your wives, your sisters, whoever would be interested, could contact me. Could contact us for my contact. Thank you. Sure. Sure. Thank you. मस्कारा काजल बिंदिया झुमका बाली और नकिया, मस्कारा काजल बिंदिया झुमका बाली और नकिया, लाली लाल मावर जोड़ी और जोड़ी कंगन, ये सब कुछ है मेरा मेरा श्रृंगार है सजना। मस्कारा काजल बिंदिया जो प्यार से देखे सजना, ये रूप निखर जाता है बिन मेकअप के भी मेरा, ये चेहरा बदल जाता है। सुख दुख चाहे हो आए सब मिलकर है सजना, मैं कुछ ना मांगू यार मेरा श्रृंगार है सजना। मतलब मेकअप तो करना है पर अगर मेकअप नहीं भी शैलेंद्र जी ने भी इसमें डायरेक्शन, शैलेंद्र तो सब लोगों की टीम ने मिलके इस गाने को बनाया है, और एक जो हमारे बीच में आए थे उमेश जी, और ऑब्वियस मिस कर रहे हैं अनूप जी ने आने वाले शब्द, उन्होंने शुभकामनाएं दी तो बहुत शैलेंद्र पूरी टीम ने मिलकर इस गाने को बहुत ही सुंदर बनाया है। और जब तक एक गाना अच्छे से अगर कोई नहीं गाएगा तो उसको उतना अच्छा एक्ट नहीं कर पाएगा या होगा, तो इसलिए उन्होंने जो गाया है वो मैंने कोशिश की है। तो आप लोग सब देखें और सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी, इस गाने को खूब शेयर करें देखा जाऊँगा सबको, पूरी टीम को बहुत सारा प्यार। कोई भी काम टीम के बिना तो हो ही नहीं सकता, सो मुझे टीम अच्छी थी तभी ये काम हुआ। प्रभाकर जी की टीम भी बहुत अच्छी थी, हमने मडरलैंड में इसको शूट किया था तो हमने बहुत एंजॉय किया होल डे, खाना शूटिंग एंड बातें। और मैं बताना चाहूँगी अनूप जी आज मुंबई में नहीं है इसलिए वो आ नहीं पाए, तो परसों मैंने उनसे मुलाकात की थी जिसका आपने देखा शुरू में, अनूप जी का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है, तो वो अगर आज होते तो ज़रूर आते पर उनको हमने मिस किया। थैंक यू। खूबसूरत आवाज़ है आपकी, कहाँ से शुरुआत हुई इतनी खूबसूरत मेरी और कैसे इस
इतनी खूबसूरत आर्टिस्ट के साथ आपको काम करने का मौका मिला, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, इसको बताना चाहते हैं? जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि लास्ट ईयर हमने सोचा कि एक गाना करते हैं, जैसे मैंने बताया गाने पहले भी किए थे, तो मेरा था थोड़ा डिफरेंट गाना हो जो शादी में भी सुना जा सके, सो यंग लड़की भी सुने, जो बड़े हैं वो भी सुने। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कुछ जो जैसे इसके शब्द हैं कि श्रृंगार से रिलेट करते हैं। तो फिर हमारी मुलाकात हुई उमेश जी से, गाजी जी से जिन्होंने लिखा है, तो उनसे मुलाकात हुई, फिर बनाई गई लिरिक्स। तो और मुझे लग रहा है कि आपको लिरिक्स पसंद आई हैं, और लिरिक्स बनी, फिर म्यूज़िक बना, इस जर्नी की ऐसे शुरुआत हुई। फिर प्रभाकर जी से बात हुई कि वीडियो पे कैसे काम किया जाए, कहाँ पे इसको शूट करेंगे, कैसे कैसे किया जाए। और फिर ये जो हमारे साथ दो एक्टर हैं, दीपिका हैं, सुहास हैं, उनके साथ भी काम हुआ और पूरी टीम फिर आ गई। तो इस तरह से एक अच्छा म्यूज़िक जो आप आज सुन रहे हो, श्रृंगार है सजना, तो वो आ गया और आज रिलीज़ भी हो गया। सर और मैम आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको इस सॉन्ग में लीड एक्टर या तो लीड कैरेक्टर के रूप में देखा गया, तो कैसा रिएक्शन था आप लोगों का कि यू नो इतने खूबसूरत गाने के साथ में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा? दीपिका के साथ तो मेरा फर्स्ट काम था, लेकिन प्रभाकर सर के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, तो इतना तो मुझे पता था कि सेट पे बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जब भी उनके साथ काम करो हम बहुत फ्री रहते हैं। तो थोड़ी सी झिझक थी स्टार्टिंग में, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप जानते नहीं रहते हो तो, लेकिन फिर जिस हिसाब से दीपिका ने इम्प्रोवाइज़ किया, अपने से फीडबैक दिया कि हम और क्या कर सकते हैं एज अ कपल, तो फिर हम काफ़ी कम्फर्टेबल हो गए। काफ़ी सारे जो शोर्स थे वो नेचुरल आए हैं हमारे, सर के डायरेक्ट किए हुए भी शोर्स थे, लेकिन हमारे भी कुछ नेचुरल शोर्स हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप मुझे डायरेक्ट किए, कितना चैलेंजिंग हो जाता है? देखिए, चैलेंज बहुत बड़ा तब होता है जब आवाज़ मधुर हो, गाना सुंदर हो और कर्णप्रिय हो, और उतना ही अच्छा वीडियो बनाने का चैलेंज हो, और साथ में कल्चर भी रखना हो और वैल्यूज़ भी रखनी हो। हम इसको कैसे कहीं से भी कोशिश करके ना, ये नहीं चाहते थे कि ये इंडिसेंट बने, ऐसा कुछ लगे कि लोगों को घर में बैठ के सबके साथ नहीं देख सके। इसके लिए हमने इनको बिल्कुल कल्चर से जोड़ के, वैल्यूज से जोड़ के, और जो ब्यूटी है उसको साथ में रखते हुए, ब्यूटी सॉन्ग म्यूज़िक लिरिक्स सब मिला के कैसा किया कि भाई एक गाना कोई भी साथ में घर में बैठ के देखे, उसे कुछ एक मैसेज मिले। और हमारे कल्चर की बात तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ में अपने कल्चर को ध्यान में रखें, एक वैल्यूज़ को ध्यान में रखें, और ब्यूटी को भी उसके हिसाब से प्रेजेंट करें। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने इस सॉन्ग को लिखा है, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक ऐसा सॉन्ग जो ज़्यादातर मैरिड लोगों को पसंद आए और उसे फॉलो करें, कैसे शुरुआत? दीपा जैसे मेरी मुलाकात हुई थी और नेक्स्ट सॉन्ग एल्बम करना चाह रही थी, और उनका ही कुछ आइडिया था कि वेडिंग सॉन्ग कुछ करना है जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति भी हो, तो फिर हमने उसके लिरिक्स लिखा। उमेश मिश्रा जी ने बहुत अच्छा उसको कंपोज किया, अच्छा गाना दीपा जी ने उन्होंने गाया भी है, उमेश जी की आवाज़ भी जी आए और वीडियो उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया दीपिका और आवाज़ के साथ, तो ये अच्छा गाना बन गया है। और वीडियो रेड रिबन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसे प्रमोट किया और रिलीज किया है। यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग शेयर करें और लोगों को पसंद आएगा। सर मैम, जैसे कि सर जो इसमें सबसे बड़े रोल किए उन्होंने आया वो आए नहीं है, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप उनके साथ एक अच्छे केमिस्ट्री रह चुकी है आपके साथ में, एक अलग जर्नी रही? मैं बताती हूँ, उमेश मिश्रा जी बनारस से हैं और मुंबई में काफ़ी सालों से म्यूज़िक पे ही काम कर रहे हैं, संगीत भी देते हैं, गाते भी हैं। अभी कुछ मैंने बताया जैसे ही इज़ नॉट वेल, उनके अभी तबीयत ठीक नहीं है जिस वजह से आज वो नहीं आ पाए, तो उनके साथ भी अच्छा रहा सफ़र, उन्होंने अच्छा म्यूज़िक जब हमने रिकॉर्ड भी किया, तो जब मिलते हैं तो फिर बातें भी शेयर होती हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे और उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और ये गाना भी अच्छा बन गया, उनके स्टूडियो में ही हमने रिकॉर्ड किया था। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो लोग इससे जुड़े होते हैं उसमें से एक भी माला के सब लोग टुकड़े हैं, अगर एक भी कम होता है तो अच्छा नहीं लगता, तो आज हमने उनको मिस किया पूरी टीम ने, पर हम समझ सकते हैं कि वो नहीं आ पाए तो वो भी आना चाह रहे होंगे, तो
तो और गाना सुनेंगे तो उनको खुद ही उनका बनाया हुआ गाना है। अब पूरा वीडियो क्योंकि आज ही आ रहा है, अभी टीज़र आया था इसका, तो मुझे लगता है सभी को पसंद आएगा आप लोग। और ये गाना मैं बता दूँ शादी में भी सुना जा सकता है, उस तरह का भी है कि अगर शादी ब्याह हो उसमें भी चलाया जा सकता है, कोई न्यूली मैरिड हो वैसे भी चला सकते हैं। तो ये आई थिंक फैमिली के लिए सॉन्ग है, सभी सुन सकते हैं। श्रृंगार से रिलेटेड है पर ये सबके लिए है। आप साथ में तो दो लाइन तो बनती है श्रृंगार में। अच्छे इंसान को सब अच्छा ही लगता है। मैं तो ये समझा था ये स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ मदर वदर कर रूल कर रही हैं, और उसके बाद मैं घंटों बैठ के इनसे बातें भी कर डाला, उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा यही सिंगर है। मस्कारा काजल बिंदिया झुमका बाली और नथिया, मस्कारा काजल बिंदिया झुमका बाली और नथिया, लाली लाल महावर जोड़ी और पायल कंगना, ये सब कुछ है बेकार, मेरा श्रृंगार है सजना, मेरा सजना है श्रृंगार, मेरा श्रृंगार है सजना। ऑडियंस और फ्रेंड्स को यही कहूँगी कि गाने को सुने, अगर वो दोस्त हैं तो उनको इस गाने को खूब दूर दूर तक पहुँचाना है, सबको सुनाना है, सबको बजाना है कि ये गाना इतना अच्छा आया है, मधुर गीत है, अच्छा लोगों ने काम किया है, अच्छा वीडियो बना है, अच्छा म्यूज़िक है, लिरिक्स अच्छी हैं, तो इसको सुने, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिनके सजना है वो भी सुने, जिनके सजना नहीं है वो भी सुने, और इसको रील्स भी बनाएं, इसके रील्स बनाएं, और इसके रील्स बनाएं। आप सबके क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस और ऑडियंस को? गाने को खूब शेयर करें, और इसको गाने को बहुत सुने भी, खुद भी सुने, और हो सके तो शादी हुई भी इसको प्ले करें, जहाँ भी घर में शादी हो इस गाने को जरूर प्ले करें, और इस पर डांस भी कर सकते हैं, इसकी बीट भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा गाना है, बहुत सिंपलिसिटी के साथ है, जैसा मतलब आजकल के टाइम में इतना सिंपल आता है तो एक रिफ्रेशिंग हो जाता है, जो कि सर ने हमारे बना दिया इस गाने को। सर आप कुछ कहना चाहें? मुझे लगता है इस तरह के गानों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल गाने हैं, फैमिली के लिए, फैमिली के साथ देख सकते हैं, तो नॉर्मल जो थोड़े से वल्गर गाने आ रहे हैं मैं ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ा उनसे बच के इन इस तरह के गानों को भी प्रमोट करें। नहीं, बहुत अच्छा गाना है, श्रृंगार है सजना जो है वो दीपक जोशी जी ने बहुत अच्छे से गाया है, और म्यूज़िक बहुत अच्छा है, और वीडियो भी बहुत फायदे का है, तो प्रमोट होना चाहिए इस गाने को, लोगों को देखना चाहिए, अच्छा म्यूज़िक है, देसी म्यूज़िक है। और इसमें ये भी बताया कि अगर कोई नहीं भी मतलब सिंपल भी है तो वो भी जैसे वो है ना, जो प्यार से देखे सजना ये रूप निखर जाता है, बिन मेकअप के भी मेरा ये चेहरा निखर जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू यू ऑल।